हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिशा, आप देख रहे हो 100 त्रिशा। सो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं हमारे फेस पर जो डार्क सर्कल होता है या फिर एक्ने स्कार होता है, उन सब चीज़ों को कैसे हम मेकअप से छुपा सकते हैं उसका ट्रिक। सो गाइस, बिना देर करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें फेस को बहुत ही अच्छे से क्लीन करना होता है फेस वॉश की मदद से, एंड उसके बाद हम लोग कर लेंगे फेस को मॉइस्चराइज। आज हम लोग एक्ने का जो स्कार है या फिर एक्ने को मेकअप की मदद से छुपाने वाले हैं, इसीलिए मैं आज मैट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, एंड स्पेशली जिन जगहों पर एक्ने हैं उन जगहों पर बहुत ही अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग मेरे फेस पर देख सकते हो कहाँ कहाँ पिंपल है, तो इसके लिए मैंने आज ऑरेंज कंसीलर एंड ए लिपस्टिक अप्लाई करने का सोचा है। मैं फर्स्ट लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ। जिन लोगों के पास ऑरेंज कंसीलर नहीं है वो लोग लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं लिपस्टिक भी अप्लाई करूँगी आज एंड ऑरेंज कंसीलर भी अप्लाई करूँगी। आप लोग देखना कैसे झटाक से एक्ने गायब हो जाता है। अभी मैं ऑरेंज कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ जिन जिन जगहों पर मेरा एक्ने है या फिर एक्ने स्कार है। ऑरेंज कंसीलर एंड लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद मैं उन जगहों पर ही फिर से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे से इन सब चीज़ों को ब्लेंड कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो रिजल्ट बहुत ही लाइटन हो गया है। मेरे एक्ने स्कार सब कुछ बहुत ही अच्छे से इनविजिबल हो गया है। आपको भी ऐसे ही ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होगा। फाउंडेशन ब्लेंड करने के बाद हम लोग कॉन्टोर कर लिया है। नॉर्मली हम जैसे कॉन्टोर करते हैं, एंड उसके बाद मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर रही हूँ मेरे टी जोन पर। एंड इन सब चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं मेरे हाइलाइटर जोन पर टीएल पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ब्राउन आई शेडो की मदद से मैं मेरे आईब्रो को भी बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं एक लाइट ब्राउन आई शेडो को मेरे आईलिड पर बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। इसी के साथ ही मैंने एक रेड कलर का शेडो अप्लाई किया है मेरे आईलिड पर, एंड इसको भी मैं बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। आज हमारा आई मेकअप बहुत ही सिंपल होने वाला है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर ही एक ग्लिटर कलर अप्लाई कर दिया है, एंड ये कलर थोड़ा सा रेडिश थोड़ा सा ब्राउन कलर का एक ग्लिटर है। इसे मैंने मेरे उंगलियों की मदद से अप्लाई किया है मेरे फुल आईलिड पर, एंड इसके साथ ही मैं एक आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। मुझे विंक आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने विंक आईलाइनर ड्रॉ किया है। सो गाइस, आप लोग देख सकती हो बहुत ही अच्छे से मेरा आई मेकअप कंप्लीट हो गया है। अंडर आई के लिए मैंने सबसे पहले ब्राउन कलर का आई शेडो अप्लाई किया है, एंड इसके बाद मैंने आईज़ के इनर कॉर्नर पर थोड़ा सा हाइलाइटर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद मेरे फेस पर जो एक्सेस पाउडर था उसको क्लीन करके मैंने एक ब्रॉन्जर अप्लाई किया है। नोज को कॉन्टूर करना मत भूलना। अभी मैं कलर बार का एक ब्लश अप्लाई कर रही हूँ मेरे चीक्स पर, एंड एंड में मैं अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर। मेरा मेकअप एंड होता है एक मैट लिपस्टिक के साथ। सो गाइस, आप लोग देख सकती हो बहुत ही अच्छा एक लुक आया है। सिंपल आई मेकअप है, बहुत ही लाइट मेकअप भी है, एंड न्यूट लिप्स है। सो गाइस, ये था आज का हमारा मेकअप वीडियो। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।